हेलो फ्रेंड्स माय नेक्स्ट टॉपिक फॉर यू ऑल इज टाइप्स ऑफ मिडिलमैन मैन और फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मिडिल मैन और इंटरमीडियरीज़ वो पर्सनस होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक यानी कि एंड यूजर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं तो कौन कौन से ये ऐसे मिडिल मैन या इंटरमीडियरीज़ होते हैं जो कंपनीज को असिस्ट करते हैं इन मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू दी कस्टमर्स एजेंट्स होल एंड रिटेलर्स एजेंट्स दो तरीके के होते हैं ब्रोकरस और कमीशन एजेंट्स ये एजेंट्स एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए वर्क करते हैं कंपनीज का जो ब्रोकरस होते हैं वो वर्क फॉर अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन के लिए वर्क करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी कंपनीज लेकिन ब्रोकर्स जो हैं वो ओनरशिप गुड्स की नहीं लेते हैं या जो भी सर्विसेज रेंडर्ड करती है कंपनी उसके ओनरशिप या उसका पोजीशन कभी भी ब्रोकर्स नहीं लेते फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट ब्रोकर्स दे कलेक्ट द कमीशन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स सेकेंडली सिंस ये कंपनी से कभी भी ओनरशिप नहीं ओन करते हैं उनके प्रोडक्ट्स की प्लस ये इंडिविजुअल से जो कांटेक्ट करते हैं पर्सनली कांटेक्ट करते हैं और जो कमीशन एजेंट्स होते हैं दे गेट सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन दी सेल्स ये कंपनी के बिहाफ पे कभी भी परफॉर्म नहीं करते हैं दैट इज दे ओन दी ओनरशिप ऑफ दी गुड्स ब्रोकर्स कंपनी के बिहाफ पे परफॉर्म करते हैं लेकिन कमीशन एजेंट्स कंपनी के बिहाफ पे परफॉर्म uh, नहीं करते हैं ये कंपनी से उनकी प्रोडक्ट या सर्विस की ओनरशिप ले लेते हैं जैसे एल एजेंट दे कलेक्ट द कमीशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कलेक्शन प्रीमियम नेक्स्ट इज इज़ योर दलसेलर होलसेलर वो लोग होते हैं जो थोक में सामान खरीदते हैं फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर बल्क प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में दे यूज टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द दे परचेज़ द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सर्व द रिटेलर्स इन लार्ज नंबर और उन जो वो एक थोक में बहुत सारा सामान खरीदते हैं उसको छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को वो सामान पहुंचाते हैं दैट इज़ ये डायरेक्टली लिंक में होते हैं कंपनीज़ के और इनके एंड कस्टमर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं कस्टमर्स भी हो सकते हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं असेंबल करना गुड्स मैनुफेक्चर मैन्युफैक्चरर्स से डिस्पर्स करना रिटेलर्स को गुड्स की स्टोरिंग करना अपने पास उनको ट्रांसपोर्ट करना फिनेंस मतलब वो रिटेलर्स को या कस्टमर्स को क्रेडिट पे भी माल दे देते हैं रिस्क कंज्यूमिंग दैट इज़ जब वो वेयरहाउस करते हैं प्रोडक्ट्स को तो मे बी रिस्क होता है कि uh, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए स्पॉयल्ड ना हो जाए तो उसमें जो रिस्क होता है वो होल सेलर्स का होता है ना कि कंपनी का होता है देन थर्ड इंटरमीडियरी इज योर रिटेलर्स रिटेलर्स जो होते हैं इनका डायरेक्ट लिंक होता है होल सेलर्स से और ये इनके जो एंड यूजर्स होते हैं वो होते हैं फाइनल कस्टमर्स दे सेल मेनली टू द कस्टमर्स सेल इन स्मॉल लॉट्स ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में कस्टमर्स को फाइनली सामान पहुंचा देते हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं असेंबलिंग ये कहाँ से असेंबलिंग करते हैं फॉर्मली होल सेलर्स एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ये प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या है उसकी एस्टिमेशन करते हैं और होल सेलर्स को बताते हैं और होल सेलर्स कंपनी को बता देती है वेयर हाउसिंग होल सेलर है ये आ, प्रोडक्ट्स परचेज करके अपने पास वेयर हाउस करते हैं स्टोर करते हैं और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कस्टमर का इस समय क्या डिमांड है क्या उनकी टेस्ट है क्या प्रेफ्रेंस है इसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं होल को और होल सेलर्स अगेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है मैन्युफैक्चरर्स को जो कि उसको हेल्प करता है अपने प्रोडक्ट को बनाने में और उसकी मार्केटिंग करने में सो so ये तीन तरीके की इंटरमीडिएट्स uh, होते हैं एजेंट्स जिसमें ब्रोकर्स और कमीशन एजेंट्स होते हैं और ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए वर्क करते हैं होल जो बल्क में क्वान्टिटी प्रोड्यूस परचेस करते हैं मैन्यूफैक्चरर्स से रिटेलर्स जो होल से प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट परचेस करते हैं और कस्टमर्स को फाइनली दे देते दे हैं सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और अंडरस्टैंडेबल और वर्दी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो लाइक करिए थैंक यू सो मच